मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं आपको। इमरान डिथ्रोन्ड, व्हाट नेक्स्ट? इमरान खान की सरकार चली गई, आपको पता है, बड़े बेआबरू होकर हम निकले। इसका मतलब है बहुत बेइज्जत किया गया उनको और अंततः उन्हें जाना पड़ा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, चूंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और वहां का घटनाक्रम हमारे देश को सीधा सीधा प्रभावित करता है, इसलिए जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में मैं वीडियोस देता रहता हूं। आपको याद होगा मैंने लंका के बारे में, नेपाल के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, मध्य एशिया के बारे में, सबके बारे में, बर्मा के बारे में, सबके बारे में वीडियोज आपको दिए हैं। तो उसी क्रम में मैंने पाकिस्तान के लिए भी आपको वीडियोस दिए थे। तो मैंने बताया था कि पाकिस्तान में क्या क्या होने वाला है, आपने देखा होगा, सब कुछ वही घटित हुआ। इमरान खान की सरकार गिरने के भी मैंने एडवांस में भविष्यवाणी कर दी थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको अद्भुत भविष्यवाणियां देता हूं, यूनिक भविष्यवाणियां देता हूं, और आप देखते होंगे कि भविष्य में घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। अपने ग्रुप्स में शेयर करिए और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए। चलिए बताते हैं आपको आगे क्या पाकिस्तान में हो सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान रखिए, मैं कुछ महत्वपूर्ण आगे बताने जा रहा हूं आपको। और इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ, क्या वास्तव में मैंने पहले प्रिडिक्ट किया था, वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूं, वो आज से लगभग 5 महीने पुरानी क्लिप है, दिसंबर 2020 की, रादर 21, सॉरी, दिसंबर 2021 की है वो क्लिप। मैं उसका आपको लिंक भी दे दूंगा, हमारे चैनल पर आपको वो मिल जाएगा। क्या कहा था मैंने, सबसे पहले मैं आपको वो सुनाता हूं और फिर वो पूरा वीडियो सुनिए जाके, कि मैंने जो जो बताया कि पाकिस्तान में ये होगा, पब्लिक अनरेस्ट होगा, वहां बहुत तेजी से जो लोग होंगे सड़कों पे आएंगे, क्या क्या बताया है, महंगाई बहुत बढ़ने वाली है, कर्ज बहुत बढ़ने वाला है, सब कुछ मिला लीजिए, एग्जैक्टली वही घटित हुआ। और इमरान के बारे में क्या कहा था, इमरान सरकार के बारे में क्या था, जरा अपने आप सुन लीजिए और उसके बाद मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। तो पहले क्लिप सुनिए एक छोटी सी। बाहर है लोगों के रिसोर्सेज से, बाहर है उनके उनके आय के साधन भरे रहे, तो ये भी बिल्कुल हो चुका है। अब क्या होगा यहां से आगे जो मैं कहने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। 2023 में इलेक्शंस होने वाले हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि 2023 इमरान खान की सरकार चलेगी कि नहीं, पहला पॉइंट समझिए, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन पूरी संभावनाएं जो आ रही हैं यहां से, आज जब मैं ये वीडियो दे रहा हूं वहां से आप देखेंगे अचानक विरोधी वहां पर बहुत सक्रिय हो जाएंगे, विरोधी राजनीतिक दल तरह तरह की आप देखेंगे जलसे करेंगे, तरह तरह के विरोध करेंगे, वहां की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम करके सड़कों पे आएगी और इमरान खान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना विकट आने वाला है कि वो परेशानियों में गिरने वाले हैं, क्योंकि जो कर्जा है उसका इंटरेस्ट भी वो पे नहीं कर पाएंगे। चौथा पॉइंट, वहां इंटरनल जो उनका जो आतंकवादी गुट है, जो एग्रेसिव गुट है, वो अब बहुत उनकी लंका लगाने वाले हैं। कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, सीधा संघर्ष करने वाले हैं आर्मी से, पुलिस से। आप देखेंगे कि अब वहां पर ब्लश है पढ़ने वाला है बेहतर रूप से। क्या होगा फिर इसका, आगे सुनिए, इसका परिणाम यह होगा कि इमरान की सरकार जाएगी, इमरान की सरकार जाएगी, चाहे चुनाव से पहले जाए चाहे चुनाव के बाद जाए, लेकिन इमरान की सरकार दोबारा नहीं आएगी। ये पहला पॉइंट बताया, इसी में सब पॉइंट समझ लीजिए। इमरान खान के सरकार को पूरा करने का पीरियड, पूरा करने के चांसेस बहुत मिनिमल है, मिनिमल बहुत मुश्किल है। कारण सबसे बड़ा क्या है कि वहां पर कोई विपक्ष नहीं है, सशक्त विपक्ष कहते हैं, इसलिए अदरवाइज उनकी सरकार गिरने का यही सबसे बड़ा टाइम था, जो मैं आपको कालखंड बता रहा हूं 2022 में। तो आप देखेंगे कि हो सकता है वो
सकता है कोई और कारण हो, मुझे वहां तक सरकार चलती दिखाई नहीं दे रही है और 2022 पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनके सामने आ रहा है। क्रिस्टल क्लियर 2022 मुझे यही दिखाई दे रहा है कि यह सरकार जा रही है। विपक्ष वहां बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन देखिए विपक्ष ने ही कोर्ट में जाके और अन्य तरह से, विपक्ष मजबूत नहीं था लेकिन कोर्ट में चला गया और इमरान सरकार को जाना पड़ा। क्रिस्टल क्लियर, कहीं किसी तरह का कोई शक नहीं। तो इमरान सरकार के बारे में मैंने ये भविष्यवाणी दिसंबर 2021 में की थी कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे और 2022 में उनकी सरकार जाएगी। साफ साफ कहा है कि यही कालखंड हमें दिखाई दे रहा है जहां पर इमरान को जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कितनी सटीक, पाकिस्तान कहां है, आप कहां हैं, मैं कहां हूं, परिस्थितियां क्या है वहां पे, सबका असेसमेंट इतनी दूर बैठ के इतना क्लियर कट कहना, आप खुद ही इसको असेस कैसे करते हो खुद जानिए। बिल्कुल क्लियर कहा था और वो हो गया। अब क्या होगा, वो सरकार चली गई, अब दूसरी सरकार आ गई, पंगू सरकार आ गई, ये कब तक चलेगी, क्या परिस्थितियां होंगी। तो यहां से फिर मैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स पाकिस्तान के बारे में बताने जा रहा हूं, नोट करिए। यहां से पाकिस्तान में सरकार परिवर्तित होने के बाद भी सड़कों पर लोग आएंगे, हुजूम बढ़ेगा, पब्लिक अनरेस्ट बढ़ेगा, आपस में गुटों में बहुत जबरदस्त संघर्ष होगा। जो अतिवादी लोग हैं वो अपने प्रभाव को बढ़ाएंगे, इमरान को जेल जाना पड़ेगा। ध्यान से सुनते जाइए, इमरान और इमरान के कई सपोर्टर्स को जेल जाना पड़ेगा और आप देखेंगे सितंबर जो आ रहा है वहां तक परिस्थितियां और बदतर वहां पे होंगी। चुनाव वहां का चुनाव आयोग पहले करा सकता है, वहां की सरकार पहले चुनाव घोषित कर सकती है और वहां पर अनरेस्ट के बहुत चांस हैं। आर्मी या तो टेक ओवर करेगी या चुनाव पहले होंगे। परिस्थितियां पाकिस्तान में और विपरीत होने वाली हैं, महंगाई और बढ़ने वाली है और पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने घुटने टेकेगा। क्यों? क्योंकि अब आर्थिक परिस्थितियां वहां और विपरीत होने वाली हैं। फिर क्या होगा, ध्यान रखिए, अगले चुनावों में, मैं पहले वीडियोस बहुत पुराने दे चुका हूं, उसमें जाके देखिए पाकिस्तान के बारे में जो भविष्यवाणी की थी, कुछ अतिवादी आतंकवादी ग्रुप के लोग सरकार में शामिल हो जाएंगे। वहां की जनता त्रस्त हो चुकी है इन लोगों से। इमरान खान के भी वादे देखे, पहली सरकारों के भी वादे देखे और इसलिए अतिवादी गुटों के लिए ये चुनाव सबसे ज्यादा कंजीनियल होंगे, उपयुक्त होंगे लोगों पर अपना प्रभाव जमाने के और सत्ता में आने के। आप देखेंगे अगली सरकार में बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादी या अतिवादी गुटों के सरगना या उनके सपोर्टर सरकार में आ रहे हैं और वहां पर जिसको आप सेपरेटिज्म कहते हो, पृथकतावाद, अलगाववाद, उसकी परिस्थितियां बढ़ने वाली हैं। जो वेस्ट फ्रंट है वहां आप देखेंगे घटनाएं बहुत घटित होंगी, अफगानिस्तान के साथ उसके संघर्ष बढ़ने वाले हैं और वहां पर बहुत ज्यादा अननेचुरल, जो नेचुरल कैलेमिटीज कहते हो वो अननेचुरली घटित होने वाली हैं। या तो बहुत ज्यादा वहां आप देखेंगे गर्मी पड़ने वाली है, अब बहुत ज्यादा वहां पर आप देखेंगे जो रेनफॉल है या और नेचुरल कैलेमिटीज हैं वो वहां पर आप देख पाएंगे। और भी नेचुरल कैलेमिटी जितनी भी होती है, चाहे वो भूकंप के झटके, भूकंप हो सकता है या और कोई घटनाएं, बड़ा तूफान हो सकता है या फिर जो हमारे जो अचानक पानी आ जाना, जल आ जाना, इस तरह की घटनाएं, कोई कोई बहुत बड़ा बांध टूट जाना, इस तरह की घटनाएं हमें वहां दिखाई दे रही है। इसका मतलब है मास लेवल पर वहां डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है।
साथ ही साथ ध्यान रखिए 2022 आ गया है, मैंने कुछ भविष्यवाणी की हुई है पीओके के बारे में, स्पष्ट रूप से अभी मैं नहीं बताऊंगा। उसका रीजन यह है कि हमें अपने देश के उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपके सामने उजागर करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह दुनिया देखती है हमारा चैनल, और वहां पर पहले से कोई इस तरह का भविष्यवाणी बता देना बिल्कुल भी देश के लिए हितकर नहीं है। तो बस इतना इशारा कर दिया है, ध्यान रखिए मैं एक भविष्यवाणी आपको दे चुका हूं पीओके के बारे में, उसमें कालखंड भी बता चुका हूं, तो वो परिस्थितियां भी धीरे धीरे प्रगति की ओर हैं। 2022 है, मैंने कालखंड आपको क्या बताया था जाके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान हॉट वाटर में है और ज्यादा हॉट वाटर में जाने वाला है, सुधार की परिस्थितियां बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही हैं। यहां बदले की भावना से कार्य किए जाएंगे, कई राजनीतिक लोगों को जेल में ठूसा जाएगा, कुछ को मृत्यु दे दी जाएगी, उनका कत्ल कर दिया जाएगा, और कुछ जो है वो देश से पलायन कर जाएंगे, बाहर भाग जाएंगे, और ये परिस्थितियां बहुत ही विपरीत होती जा रही हैं पाकिस्तान के लिए। आगे मैं और भी पाकिस्तान के बारे में आपको महत्वपूर्ण डिटेल्स दूंगा। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्द ही आपको दूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।